खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। आपने कई सारी खबरें देखते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जो पॉलिसी बीजेपी वाले कर रहे हैं ये इतनी खतरनाक है कि ईवीएम से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसको शायद आप या आपके प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को नहीं पता होगा, लेकिन ये पॉलिसी अंग्रेजों वाली पॉलिसी से सेम टू सेम मैच करती है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो घट रहा है, उसकी जो भागीदारी है वो किस तरीके से कम करी जा रही है। एक तो ईवीएम आपकी सबसे बड़ी समस्या ही है विपक्ष की, उसके बावजूद एक बड़ा खेला हो रहा है, वो शायद हमारे नेताओं को या हमारे जो शुभचिंतक हैं जो इस पर विचार करते हैं उनको शायद नहीं समझ में आ रहा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि बीजेपी की 300 प्लस सीटें हैं लोकसभा में, जिनमें से अगर हम सबसे बड़ी सीट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सीधे सीधे 80 सीट बीजेपी यहां से 80 में से लगभग 2-3 सीटें छोड़कर सारी सीटें जीती है। लेकिन सोच मान लीजिए कि अगर 300 में से 80 सीटें हार जाए या 70 सीटें हार जाए या 40 सीटें हार जाए तो क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। लेकिन एक खेल समझिए, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी यानी समाजवादी पार्टी, और उस समय ये जो तमाम लॉबी इस समय पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या तमाम ऐसे पत्रकार जो आज कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं, उस समय इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोशल मीडिया पर इन जगहों पर क्या ट्रेंड चलाया जा रहा है। सेम टू सेम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस समय ये कहा गया था कि 75 में से 54 डीएम यादव समाज के बना दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर फेक खबर थी। ये जो खबर बताई गई थी बिल्कुल गलत थी। उस समय जो बाद में रिपोर्ट निकल कर आई थी 10 से 12 डीएम यादव समाज से बनाए गए थे, लेकिन अफवाह क्या फैलाई कि 75 डीएम में से 54 डीएम यादव समाज से बना दिए गए हैं। बाकायदा जो आयोग थे वहां पर यादव समाज के नाम से, यादव चयन आयोग के नाम से बोर्ड लगा दिए गए थे। खूब अफवाहें फैली थी, थू हुई थी, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार गिर गई, दोबारा सरकार नहीं आई है। लेकिन ये एक खेल समझिए कि आखिर ये खेल हो क्या रहा है। ये खेल जो है ना ईवीएम से भी बड़ा खतरनाक खेल होने जा रहा है आपके साथ, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जो अभी भारत की आबादी है वो उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत की आबादी कितनी थी और अंग्रेज जो आए थे वो कितने थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया, कैसे किया वो अब इस आंकड़े से समझिए। अभी उत्तर प्रदेश की एक ट्वीट आया है दिलीप मंडल जी का, उन्होंने ट्वीट किया है कि ओबीसी अफसरों पर बीजेपी शासन में हाल क्या है, क्या हाल है ओबीसी अफसरों का। तो उसमें आपको बता दें यूपी के 75 जिले और 75 जिलों में से 10 जिलाधिकारी ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। 75 में से 10 ओबीसी जिलाधिकारी, जिसमें से यादव और कुशवाहा समाज का एक भी जिलाधिकारी इस समय मौजूदा सरकार में नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं बीजेपी वाले कि कुशवाहा समाज और यादव समाज उनको वोट नहीं करता है। एससी एसटी से 10 एसडीएम बनाए गए हैं, 10 एसडीएम एससी एसटी से बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें आता है जो योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनके समाज से यानी कि ठाकुर समाज से लगभग 21 डीएम इस समय उत्तर प्रदेश में तैनात हैं और 20 जो हैं वो ब्राह्मण समाज से कहे जाते हैं। तो लगभग 75 में से 41 सवर्ण समाज से हो गए, 10 ओबीसी समाज से हो गए और 10 एससी एसटी समाज से हो गए। तो ये खेल समझिए कि अगर आप ही का थानेदार होगा, आप ही का कोतवाल होगा, आप ही का एसपी और डीएम होगा तो तूती किसकी बोलेगी, ये आपको तय करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि ये जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में ये ईवीएम से भी खतरनाक है। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा कि जहां पर मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होता है उसी पार्टी की कोई भी चुनाव होता है उसको जीतने में आसानी होती है, क्योंकि उसकी तूती बोलती है। लेकिन आप समझिए कि अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी या जेडीयू तमाम जो और पार्टियों की सरकार थी, वो ऐसा क्यों विफल हो गए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका जो ये खेल जो बीजेपी कर रही है वो शायद इस खेल को समझ नहीं पाए। अगर आप ही की विचारधारा के लोग डीएम बनेंगे, आप ही की विचारधारा के लोग एसटी बनेंगे, आप ही की विचारधारा के लोग थाने में मौजूद होंगे तो दूसरी विचारधारा की सुनी कहां से जाएगी? ये सोचने का विषय है और ये बहुत बड़ा विषय है। ये शायद कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को भी समझ में आने लगा है। राहुल गांधी ने भरे संसद में जब ये बात छेड़ी कि
अभी मौजूदा हालात में जो 90 सेक्रेटरी हैं सचिवालय में, उनमें से 3 ओबीसी हैं। सोचिए 90 में से 3 ओबीसी हैं और उनकी भी कोई औकात नहीं है कि कोई एक्शन ले सकें। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी चल रही है ओबीसी समाज के साथ। तो ये खेला छोटा नहीं है, ये खेला बहुत बड़ा है और इस खेले में किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब हम किसी घर के मुखिया अगर आपके पिता होते हैं तो पिता के द्वारा ही जो एक्शन होता है उसको घर को मानना होता है, और जिले का मुखिया जब एक विचारधारा का होगा तो सोचिए किसकी सुनी जाएगी, किसकी चलेगी और किस तरीके से काम होगा। जब तक इन चीजों में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम लोकतंत्र की बात ही नहीं कर सकते। मीडिया में आप देख लीजिए मीडिया का क्या हाल है, आप सभी देख रहे हैं। लेकिन जब ये कांग्रेस सरकार में थी उसको तब समझ में नहीं आया था। आज जब वो लगातार डिफीट खा रही है, जब उसी के साथ एक खेला हो रहा है, तब उसे याद आ रहा है कि ओबीसी के साथ गलत हो रहा है। आपको बता दें कि एक आंकड़ा बीजेपी पार्टी का जो आंकड़ा आपको बता दें कि जो छोटे पद होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो छोटे पद होते हैं, जो नीचे से कभी किसी को जिला पंचायत बना दिया या किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया, किसी को युवा मोर्चा संगठन का मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, लेकिन बेटा मंत्री नहीं बन पाओगे कितना भी कर लो। जहां मलाई वाले पद होते हैं ना, वहां आप नहीं पहुंच पाओगे। आपको भागीदारी मिलेगी लेकिन भागीदारी के ऊपर जो मेन पद होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। आज देख लीजिए मंत्री भले बैकवर्ड समाज से बने हुए तमाम लोग हैं, कितनी किसकी चलती है ये सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में किसकी चलती है ये सभी को पता है। थानों में क्या हो रहा है ये सभी को पता है। जिलों में क्या हो रहा है ये सभी को पता है। तो ये जो खेला है, जो इस समय का खेला, शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो अंग्रेजों का था कि बड़े बड़े पदों पर अपने लोगों को बिठा दो, छोटे पदों को बांट दो, ये भी दिखाने को हो जाए कि हमने हर समाज के व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल किया है, उनको पदाधिकारी बनाया है, उनको यहां पर रख दिया है, लेकिन जो मेन पद होते हैं सेक्रेटरी जैसे पद, वहां पर तुम्हारे लोगों को नहीं होंगे। जो डिसीजन ले सकें, जिनका चले सरकार में, जो अपने लोगों की बात कर सकें। अभी महिला बिल पास हुआ था, महिला बिल पे क्या हुआ आपको सभी को पता है, झुंझुना पकड़ाया है बीजेपी वालों ने। ये अभी 4-5 साल तो वैसे भी नहीं लागू होगा, लेकिन उसमें जब आरक्षण की बात आई तो उस पर भी मुकर गई। यही आरक्षण की बात आज जो कांग्रेस उठा रही है कि ओबीसी को आरक्षण, एससी को आरक्षण दिया जाए, यही कांग्रेस जब इसके पहले ये बिल लाई थी तो उसमें ये इसके विरोध में खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी आती है वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ दिखती है। अब आपको तय करना है कि क्या होना चाहिए। ये तमाम जो नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये जो तमाम बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, एससी एसटी को प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आपके साथ हो सकता है। अन्यथा आप ऐसे ही रहोगे और ऐसे ही काम करते रहोगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो दूर तक शेयर करिए इसे और लोगों तक पहुँचाइए, और खुद जागरूक होइए और दूसरों को जागरूक करिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये जो लिस्ट है ये क्या हो रहा है। और कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में डीएम कौन है, एसपी कौन है, थाना अध्यक्ष कौन है। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आंकड़ा जो है ये सही है या गलत है। बाकी